हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा डबल ई। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अर्थ लीकेज रिले। हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं उनके बारे में जानेंगे, और साथ में जानेंगे कि इसके कनेक्शन सर्किट के साथ कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों, अर्थ फॉल्ट रिले जो है, ये अगर सिस्टम में कोई फेलियर हो जाए इंसुलेशन का, तो उसकी वजह से जो लीकेज करंट फ्लो होता है उसको डिटेक्ट करके, अगर वो रेटेड वैल्यू से ऊपर हो जाए तो उसको डिटेक्ट करके सिस्टम को ट्रिप करवा के उसे प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि अगर लीकेज करंट अपनी रेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो वो लीकेज करंट जो है वो इस सिटी में फ्लो करेगा और वो इस रिले को एनर्जाइज करके इस कॉन्टैक्ट को पुल करेगा, और ये कॉन्टैक्ट जो है ये आगे हमारे ब्रेकर्स को ट्रिप करवा के इक्विपमेंट जो भी प्रोटेक्ट करना है उसे आइसोलेट कर देगा। तो अब हम एक ELR को देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। तो दोस्तों, ELR रिले के अंदर बेसिकली दो सेटिंग्स होती हैं, एक होती है करंट सेटिंग और दूसरी होती है ट्रिप टाइम सेटिंग्स। हम एक एक करके दोनों को देखते हैं। दोस्तों, ये लीकेज करंट की सेटिंग वैल्यू है। अगर लीकेज करंट इस वैल्यू तक पहुंच जाता है तो ELR रिले जो है वो ट्रिप करवा के सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ट्रिप टाइम जो है ये लीकेज करंट के सेट वैल्यू पर पहुंचने और रिले के ट्रिप होने के बीच का डिले टाइम है। कुछ रिलेज में इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग का फैसिलिटी भी होता है। ये वाला जो पुश बटन है ये रिले को मैन्युअली ट्रिप करने के लिए और उसे वापस रिसेट करने के लिए है। ये जो LEDs हैं, इनमें से एक LED अर्थ लीकेज होने पर ग्लो करती है और दूसरी LED अगर सिटी में कुछ करंट फ्लो करता है तो ग्लो करती है। ये LEDs फॉल्ट लीकेज करंट का स्टेटस डिस्प्ले करती हैं। ये बताती हैं कि लीकेज करंट सेट वैल्यू का कितना परसेंटेज तक पहुंच गया है। मान लीजिए कि सेट करंट जो है वो हमने 10 एम्पीयर पे किया हुआ है सेट, तो अगर लीकेज करंट जो है हमारा 60% हो जाता है, यानी कि 6 एम्पीयर हो जाता है, तो ये येलो वाला LED ग्लो करेगा। इसी तरह अगर लीकेज करंट जो है वो 7.5 एम्पीयर तक पहुंच जाता है, जो कि 75% होता है, तो ये 75% वाला रेड LED ग्लो करेगा। तो ये एक तरह से ऑपरेटर को पहले ही वार्निंग दे देती हैं। अब हम देखेंगे कि जो इतने सारे कनेक्शंस हैं ये कहां पे किस तरह से लगाए जाएंगे। सबसे पहले हम ELR को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। इसके लिए इनकमिंग L1 से MCB को कनेक्ट करेंगे और MCB का आउटपुट जो है वो हम 15 नंबर पे दे देंगे। ऐसे यहाँ MCB आ गया, MCB से ये 15 नंबर पे आ गया। 15 नंबर जो है ये हमारा कॉमन टर्मिनल है। अब यहाँ पे जो 18 नंबर है इससे हमें कॉन्टैक्टर को कनेक्ट करना है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा कॉन्टैक्टर है उसको सप्लाई मिलती रहनी चाहिए, तो हम NC कॉन्टैक्ट का यूज करते हैं, 18 नंबर का हम यूज करेंगे। सो NC से हम ओवरलोड रिले है उसके कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये ओवरलोड कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ से सिग्नल आके इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया नहीं है। उसके बाद आगे स्टॉप पुश बटन है और स्टार्ट पुश बटन है, और ये सप्लाई चली जाएगी हमारे कॉन्टैक्टर ए को। साथ में ही रिटेनिंग कॉन्टैक्ट भी है ए का, यहाँ पर A1। ये रिटेनिंग कॉन्टैक्ट जो है ये स्टार्ट पुश के पैरेलल में कनेक्ट होता है, क्योंकि स्टार्ट पुश जो है ये ओपन हो जाने के बाद ये कॉन्टैक्ट जो है ये यहाँ से NC का सप्लाई बना के रखेगा कॉन्टैक्टर ए के लिए, और अगर कॉन्टैक्टर ए एनर्जाइज है तो ये इन कॉन्टैक्ट को मेक करके हमारे लोड को सप्लाई देता रहेगा। अज्यूम, अब मान लीजिए कि फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट आने पे क्या होगा, S1 S2 से जो करंट है उसको हम पिक करके ELR को देंगे, और ELR जो है ये NO को NC कर देगा और NC को NO कर देगा। जैसे ही NC NO होगा ये कॉन्टैक्टर के लिए जो सप्लाई है ये ब्रेक हो जाएगी और हमारी मोटर या लोड जो भी है वो सर्किट से आउट हो जाएगा, और साथ के साथ ये जो हमारा NO है ये कॉन्टैक्ट NC बन जाएगा। अब ये कॉन्टैक्ट जो है ये आप अलार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं या LED के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट जो है ये आप देखिए कैसे L1 से कनेक्टेड था,
और यहाँ पे अभी तक ओपन था और अलार्म से जा रहा है और न्यूट्रल पे जा रहा है। अब इसका सर्किट बन जाएगा और आपका अलार्मिंग या एलईडी का सिग्नल आ जाएगा। अब बात करते हैं ये Y1 Y2 की। ये Y1 Y2 जो है ये रिमोट ऑपरेशन के लिए है। अगर हमें रिमोटली किसी लोकेशन से ट्रिपिंग करना है या रीसेट करना है तो यहाँ पे टेस्ट पुश बटन लगा के हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये L1 L2 जो है ये ऑपरेशन के लिए सप्लाई है। L1 आपका फेज हो गया और L2 आपका न्यूट्रल हो सकता है, या L1 L2 के क्रॉस आप DC सप्लाई भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि रिले को आप क्या सप्लाई दे रहे हैं। रिले जो है वो 110 वोल्ट AC, 110 वोल्ट DC, 220 वोल्ट AC, 220 वोल्ट DC, 24 वोल्ट DC, 48 वोल्ट DC कोई भी सप्लाई पे एज पर उसके डिजाइन पे ऑपरेट करता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें इस ELR रिले को टेस्ट करना है, इसकी टेस्टिंग करनी है, तो हम कैसे करेंगे। टेस्टिंग के लिए आपको L1 और L2 के अक्रॉस सप्लाई देनी है। अगर हम इस रिले की बात करें तो आपको L और न्यूट्रल के अक्रॉस सप्लाई देनी होगी। इसको देने के बाद आपको B1 और B2 को इनको शॉर्ट करना पड़ेगा। ऐसा करने पे आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि जो हमारे NO कॉन्टैक्ट हैं वो NC हो जाएगा और NC कॉन्टैक्ट जो है वो NO हो जाएगा। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो रिले है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो ELR के बारे में। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही में हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग।